हेलो फ्रेंड्स एंड माय डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल वेदांशी टेक्निकल क्लासेस में। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी के लिए लगभग 1512 पदों की जो है अपने राजस्थान के वित्त विभाग ने स्वीकृति दी है। इसका यह मतलब हुआ कि दोस्तों जल्दी जो है ये इस वैकेंसी का, इस राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी का जो है नोटिफिकेशन जारी होने वाला है। आज की इस वीडियो में जो है दोस्तों मेनली मैं डिस्कशन करूंगा इस टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी में जो सिलेबस है और जो पेपर पैटर्न है उसके बारे में। दोस्तों, आप सभी को पता होना चाहिए, इस बार भी जो है आपके राजस्थान टेक्निकल हेल्पर की वैकेंसी के लिए सिलेबस में कोई चेंजेस नहीं किया जाएगा। जहां तक है अभी तक तो कोई चेंजेस किए नहीं है और जहां तक है चेंजेस होने भी नहीं चाहिए, क्योंकि ऑलरेडी जो सिलेबस आता है वो काफी बढ़िया सिलेबस है आपका। तो पिछली बार जो एग्जाम्स लगे थे, पिछली बार का जो पेपर पैटर्न था उसी के आधार पे जो है आज की इस वीडियो में दोस्तों कंप्लीट जो सिलेबस का पोर्शन है, सिलेबस की जो डिटेल्स है वो आप लोगों के साथ में मैं शेयर करूंगा। तो आप लोग इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। हो सकता है दोस्तों आप लोगों को पहले से ऑलरेडी आइडिया हो उस सिलेबस के बारे में, बट फिर भी आप लोग जो है इस वीडियो को अंत तक जरूर देखेगा। हो सकता है कोई ऐसी चीज हो, कुछ ऐसा पॉइंट हो कि आप लोगों को कुछ नया पता चले। तो ठीक है दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। और दोस्तों ये जो इन्फॉर्मेशन है टेक्निकल हेल्पर का जो सिलेबस है, इसकी इन्फॉर्मेशन जो भी मैं यहाँ पे आप लोगों को देने जा रहा हूँ, ये पिछली बार जो भी प्रश्न पत्र पूछे गए थे, पिछली बार जो भी क्वेश्चन पेपर्स पूछे गए थे, उन क्वेश्चन पेपर्स के आधार पे जो है मैं आप लोगों के साथ ये डिटेल्स शेयर करूंगा। तो दोस्तों यदि हम लोग बात करें टाइम की, यदि एग्जाम का जो टोटल टाइम है तो यहाँ पे जो है आप लोगों को 120 मिनट मिलती है दोस्तों, 120 मिनट। अब 120 मिनट में यदि टोटल क्वेश्चंस की बात करें, टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस की बात करें दोस्तों, तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस जो है आप लोगों को 150 क्वेश्चंस करने होते हैं, 150 क्वेश्चन। इट मीन्स दोस्तों यहाँ पे 120 मिनट में 150 क्वेश्चन करने पड़ेंगे, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन के लिए आपको एक मिनट से भी कम समय मिलेगा, मतलब कुछ सेकंड्स मिलेगी, ठीक है। लगभग जो है आप लोगों को 40 से 50 सेकंड का समय मिलता है एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने के लिए। अब देखो दोस्तों, यदि हम यहाँ पे जो है क्वेश्चंस की बात करें, नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे मैं लिख रहा हूं और यहां लिख देता हूं दोस्तों मैं आपका सब्जेक्ट, ठीक है, और यहां पे जो है मैं मार्क्स लिख देता हूं, मार्क्स। दोस्तों फर्स्ट सब्जेक्ट है आपका ट्रेड थ्योरी, मतलब एक तरीके से इलेक्ट्रिशियन थ्योरी जो सब्जेक्ट है आपका थ्योरी। अगर इसकी बात करें तो यहां से जो है आपके दोस्तों 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपसे, थ्योरी में से जो है 100 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और प्रत्येक क्वेश्चन जो है वो दो नंबर का होता है दोस्तों। देखो वेटेज देखना है इनका, इसका जो वेटेज है वो बहुत बढ़िया वेटेज है, थ्योरी का जो वेटेज है बहुत अच्छा वेटेज है। तो 100 क्वेश्चन, प्रत्येक क्वेश्चन दो नंबर का, मतलब टोटल मार्क्स हो गए 200 मार्क्स। अब यहां पे दोस्तों यदि टोटल मार्क्स में लिखूं, टोटल मार्क्स का जो पेपर है, टोटल मार्क्स, तो आप सभी को पता होना चाहिए ओनली 250 मार्क्स का जो है ये पेपर होता है आपका, टेक्निकल हेल्पर का जो है 250 मार्क्स का पेपर होता है। उसमें से आप देख पा रहे हो दोस्तों जो थ्योरी है उसके 100 क्वेश्चन 200 नंबर के, ओनली थ्योरी सब्जेक्ट आपका कवर करता है 200 मार्क्स। 100 क्वेश्चन आएंगे 200 मार्क्स के, टोटल जो मार्क्स होते हैं वो पेपर के वो 250 मार्क्स है। तो 250 में से 200 मार्क्स केवल थ्योरी के, 250 में से 200 मार्क्स केवल थ्योरी सब्जेक्ट के, ठीक है। इसके बाद में दोस्तों नेक्स्ट जो है 50 क्वेश्चन अलग से पूछे जाते हैं, और ये जो 50 क्वेश्चन है ये 50 मार्क्स के होते हैं, 50 मार्क्स के। अब देखो दोस्तों यहां पे समझना, बहुत सारे स्टूडेंट्स को यही पता होगा कि इसमें जो है राजस्थान का जीके और मैथ्स पूछा जाता है, राजस्थान का जीके और मैथ्स पूछा जाता है, बट ये बात दोस्तों सही नहीं है। थोड़ा सा आप नॉलेज को जो है करेक्ट करने की कोशिश करना। यहां पे जो है लगभग ये जो 50 क्वेश्चन है, नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने, 50 क्वेश्चन जो है, इनमें से लगभग देखो 10 क्वेश्चन तो आपके इसके आते हैं कंप्यूटर और जनरल साइंस 10 क्वेश्चन।
इसके अलावा दोस्तों लगभग 10 क्वेश्चन के आसपास जो है वो इंडिया लेवल का जीके आएगा, इंडिया लेवल का जीके, इंडिया लेवल जीके। और इसके बाद में दोस्तों 10 क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो हमें राजस्थान लेवल का जीके मिलता है एग्जाम में, राजस्थान लेवल जीके, राजस्थान लेवल जीके। अब दोस्तों हो सकता है कई ऐसे स्टूडेंट हो जिनको रियल में वास्तविक पता नहीं हो और वो इस कॉन्सेप्ट को गलत समझे, बट ऐसा नहीं है दोस्तों, विश्वास कीजिए। पिछली बार के यदि आप लोग जितने भी क्वेश्चन पेपर उठा के देखोगे उन सभी में सेम ऑलमोस्ट लगभग लगभग जो है ये जो टोटल 50 क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं ये इस प्रकार से पूछे जा रहे हैं। 10 क्वेश्चन जो है आपके कंप्यूटर साइंस जनरल, ये कंप्यूटर प्लस जनरल साइंस के, 10 क्वेश्चन इंडिया जीके, 10 क्वेश्चन राजस्थान जीके के, टोटल कितने हैं 30 क्वेश्चन हो गए, टोटल हो गए ये 30 क्वेश्चन। और लगभग जो है 20 क्वेश्चन जो है वो आपके मैथ्स के पूछे जा रहे हैं, लगभग 20 क्वेश्चन जो है वो आपके मैथ्स के, और मैथ्स में जो है बिल्कुल नॉर्मल मैथ्स पूछी जाती है दोस्तों, नॉर्मल मैथ्स, बीजगणित भी आती है इसमें, एडवांस लगभग जैसे आपका जो त्रिकोणमिति है उसके अलावा लगभग जो है जितनी भी एक्सरसाइज आपके जितनी पर्सनालिटी या मैथ्स में बनती है उन सभी में से इक्के दुक्के क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लेवल के पूछे जाते हैं। हो सकता है कोई कठिन क्वेश्चन भी पूछा जाए बट मैक्सिमम जो क्वेश्चन होते हैं वो बिल्कुल सिंपल नॉर्मल लेवल के होते हैं, तो लगभग इस हिसाब से पेपर आता है। हो सकता है दोस्तों कि यहाँ पे जो मैथ्स के क्वेश्चन है वो थोड़े से ज्यादा हो जाए, जैसे 24-25 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, मैथ्स के 25 क्वेश्चन तक आ सकते हैं, 25 से ज्यादा नहीं आएंगे। और बाकी ये जो तीनों पोर्शन आपको 100% मिलेगा दोस्तों, कंप्यूटर का भी 2-3 क्वेश्चन मिलेंगे, जनरल साइंस के 4-5 क्वेश्चन, 3-4 क्वेश्चन, 4-5 क्वेश्चन लगभग कंप्यूटर के, और इसके मिलेंगे जनरल साइंस के 3-4-5 क्वेश्चन इतने से, तो 8-10 क्वेश्चन इसके मिलते हैं और 8-10 क्वेश्चन इसके मिलते हैं, लगभग 10-12 क्वेश्चन इसके मिल जाते हैं, ठीक है, और बाकी के होते हैं मैथ्स के। तो इस प्रकार से ये 50 क्वेश्चन होते हैं, ये 50 क्वेश्चन टोटल 50 मार्क्स के, मतलब प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का, ये जो है ये प्रत्येक क्वेश्चन एक नंबर का, ये प्रत्येक क्वेश्चन दो नंबर के, प्रत्येक प्रश्न दो नंबर का, ये प्रत्येक प्रश्न एक नंबर का, एक नंबर का। तो इस प्रकार से ये टोटल जो है टोटल मार्क्स आपके बन जाते हैं 250 मार्क्स, और टोटल क्वेश्चन बन गए 100+50 150, टोटल क्वेश्चन जो है वो कितने बन गए 100 क्वेश्चंस बन गए, ठीक है। तो दोस्तों यही पेपर पैटर्न होता है, इसी के अकॉर्डिंग सिलेबस आता है। इलेक्ट्रिशियन जो थ्योरी है आपका, थ्योरी में आपका इलेक्ट्रिशियन थ्योरी प्लस इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, आपको एक बार थ्योरी को किस तरीके से पढ़ना है, कौन कौन से उसमें टॉपिक्स कंटेंट है, वो सारा जो है उसके उससे रिलेटेड वीडियो जो है मैं आप लोगों के लिए अलग से बना दूंगा। बाकी जो है नॉर्मल पेपर पैटर्न यही रहता है, 250 टोटल नंबर का पेपर होगा, 2 घंटे जो है, 2 घंटे मतलब 120 मिनट जो है उसका आपको टाइम मिलेगा, ठीक है, और टोटल क्वेश्चन जो है वो 150 क्वेश्चन आप लोगों को करने होंगे, टोटल 150 क्वेश्चन, टोटल क्वेश्चन कितने हैं 150 क्वेश्चन जो है 150 क्वेश्चन आप लोगों को करने होते हैं, ठीक है। तो आई होप कि आप लोगों को ये जो इन्फॉर्मेशन है ये बहुत ही ज्यादा समझ में आई होगी, काफी ज्यादा एग्जाम में मेन एग्जाम में जो आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगी, और दोस्तों इसी के अकॉर्डिंग आप लोग तैयारी करना। यदि आप लोगों को सिलेक्शन चाहिए तो आप लोग कंप्यूटर के बारे में, कंप्यूटर से रिलेटेड भी कुछ चीजें पढ़ना, साथ ही साथ जनरल साइंस के कुछ एक क्वेश्चन है वो भी तैयार करने की कोशिश करना, और साथ ही साथ इंडिया लेवल का जीके भी पढ़ना। दोस्तों इंडिया लेवल का जीके पढ़ना बहुत जरूरी है, इंडिया लेवल के जो है लगभग 8-10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, और राजस्थान लेवल के जो है उसके भी 10-12-15 तक क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, उसके अलावा जो है 20-25 क्वेश्चन आपसे मैथ्स के पूछे जाते हैं। तो ठीक है दोस्तों, आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।